फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की आज की क्लास में मैं आपसे आउटपुट डिवाइसेस को कंटिन्यू करूंगा। और आउटपुट डिवाइस मैंने आपको बताया था कि आउटपुट डिवाइसेस होती क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस का क्या यूज है कंप्यूटर में, तो वो सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। और मैंने आपसे कुछ मेन जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनकी बात भी की थी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि सम आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, ठीक है। फिर मॉनिटर मैंने आपको चार टाइप के मॉनिटर्स के बारे में डिस्कशन किया था, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा। तो ये मैंने सभी आपसे डिस्कस भी किए थे, सभी की मैंने सीआरटी की वर्किंग प्रोसेस, जैसे एलसीडी है तो एलसीडी की मैंने वर्किंग प्रोसेस, ये सारी चीजें मैंने आपसे, एलईडी भी डिस्कस किया था तो एलसीडी और एलईडी में डिफरेंस भी बताया था। फिर प्लाज्मा मॉनिटर पर भी हमने बात की थी, तो ये सभी चीजें हमने आपसे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। अब अगर आप मेरी क्लास को अभी से देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि एक बार लास्ट प्रीवियस क्लास को जरूर देखें और मेरी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको आउटपुट डिवाइसेस में और सारी चीजें जान पाओ आप लोग, उसमें और अंडरस्टैंडिंग बन पाए। क्योंकि बेसिकली हम लोग सब जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम उसकी वर्किंग प्रोसेस को नहीं समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। तो मैंने आज आपको जो सिखाया है, या मैं जो आपको सिखाने वाला हूं, वो वर्किंग प्रोसेस बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ओके। और किस टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया, वैसे वैसे हम लोगों ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए, ठीक है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे प्रिंटर की। सो प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर जो है एक प्रोड्यूस क्या करता है, हार्ड कॉपी। यानी हार्ड कॉपी अगर आपको किसी चीज की चाहिए हो, जैसे सपोज दैट कि आप जब आप इस्तेमाल करते हो किसी भी कागज को, आपका प्रिंट लेना होता है, सपोज दैट कि इमेज लेना होता है, ठीक है, टेक्स्ट लेना होता है, या कोई भी और इंफॉर्मेशन को पेपर पे आपको लेना होता है, ठीक है। सो प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ द प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। प्रिंटर प्रोड्यूसेस हार्ड कॉपीज ऑफ द प्रोसेस डेटा, सो इट एनेबल्स द यूजर्स टू प्रिंट इमेजेस, टेक्स्ट और एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन टू द पेपर। सो बेस्ड ऑन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म द प्रिंटर्स आर द टू टाइप्स। अब मैकेनिज्म के आधार पर प्रिंटिंग जो है दो तरीके की हो सकती है। नंबर वन, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स, और दूसरी बात नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या होती है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या होगी, इम्पैक्ट प्रिंटिंग क्या होगी, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटिंग भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये भी दो टाइप के होंगे, तो मैं अभी इनसे, इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, इनकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में भी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रिंटर को हम इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, कौन कौन से प्रिंटर को हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, तो ये सभी बातें अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम जानेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस अ हैमर और प्रिंट हेड। अब देखिए यहां पर एक हैमर होगा और प्रिंट हेड होगा, मतलब या तो हैमर होगा या प्रिंट हेड होगा, जो प्रिंटिंग के लिए काम में लाया जाएगा, ठीक है। सो अ इम्पैक्ट प्रिंटर यूजेस अ हैमर और प्रिंट हेड टू प्रिंट द कैरेक्टर और इमेजेस ऑन टू द पेपर। अब देखिए जो पेपर पे इमेज प्रिंट होके आएगी, उसके लिए जो हमको रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हैमर या प्रिंट हेड की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या यूज करेगा, हैमर और प्रिंट हेड, ठीक है। द हैमर और प्रिंट हेड स्ट्राइक्स और प्रेसेस एन इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट कैरेक्टर एंड इमेजेस। तो यहां पर जो प्रिंट हेड होगा वो क्या करेगा, स्ट्राइक्स करेगा या फिर प्रेस करेगा एन इंक रिबन। यहां पर एक इंक वाला रिबन होगा, उस रिबन में इंक लगी होगी, जैसे वहां पर पेपर फंसा होगा, और जैसे ही प्रिंट हेड या हैमर काम करेगा तो वहां पर क्या करेगा, वो स्ट्राइक करेगा, और जब स्ट्राइक करेगा तो उस पर एक इमेज प्रिंट होगी या इसमें कैरेक्टर प्रिंट होगा, ठीक है। अभी हम इसके बारे में भी आपसे डिटेल में बताएंगे। चलिए अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने आपको बताया कि ये भी दो टाइप के होंगे। पहले तो हमें आपको बता दें प्रिंटर दो टाइप के हो रहे हैं, प्रिंटर कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। मैं एक बार आपको फिर से याद करा देता हूं, देखिए ये हैं प्रिंटर और प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर दो टाइप के हैं, नंबर एक इम्पैक्ट, ठीक है, और नंबर दो नॉन इम्पैक्ट। अब देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं, तो नंबर वन
कैरेक्टर प्रिंटर और नंबर टू लाइन प्रिंटर। अब देखिए कैरेक्टर प्रिंटर जो है, कैरेक्टर प्रिंटर जो है वो भी दो तरह के हैं, नंबर वन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नंबर टू डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर भी दो तरह के हैं, वन ड्रम प्रिंटर और सेकेंड वन इज ड्रम प्रिंट चेन प्रिंटर। सो इस तरीके से ये जो है वो हम इनको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। तो वन बाई वन अभी हम इनको समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंपैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर आएंगे। अब कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे, ठीक है। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब एक एक प्रिंट, यानी वन टू वन कैरेक्टर प्रिंट होगा, यहां पर वन टू वन कैरेक्टर प्रिंट होगा। जबकि लाइन प्रिंटर में क्या होगा, ईच लाइन, यानी कि ईच लाइन, ठीक है, एक एक लाइन प्रिंट होगी, यानी वन टू वन लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। अब हम इनको भी जानेंगे कैसे प्रिंट होंगी, ठीक है। तो चलिए क्या टेक्नोलॉजी है वो भी हम जानेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर मैंने भी आपसे बात कही, नंबर वन कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर क्या है। अब देखो कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब एक समय में सिर्फ एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, और विथ अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ द प्रिंट हेड और हैमर, मतलब जब एक स्ट्रोक होगा तो एक कैरेक्टर आएगा, या प्रिंट हेड है ना जो काम करेगा वो सिंगल स्ट्रोक पे काम करेगा, दैट मींस कि एक कैरेक्टर प्रिंट होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर्स, ठीक है। अब देखिएगा, इट डज नॉट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम, ये कभी भी एक लाइन एक समय में प्रिंट नहीं कर सकता। कि आपने जो भी प्रिंटिंग करना चाह रहे हो, एक लाइन लिखी हुई है आप सपोज दैट उसको प्रिंट करना चाह रहे हो, तो नहीं होगी, वन वन स्ट्रोक के द्वारा ही ये प्रिंट होगा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड डेजी व्हील प्रिंटर आर द कैरेक्टर प्रिंटर, यानी दो टाइप होगा इसके कैरेक्टर प्रिंटर के। नंबर वन, देखिए नंबर वन कैरेक्टर प्रिंटर्स के दो टाइप हो गए, नंबर वन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और नंबर सेकेंड डेजी व्हील प्रिंटर, ओके। सो टुडे दीज प्रिंटर्स आर नॉट इन मच यूज ड्यू टू देयर लो स्पीड एंड बिकॉज ओनली द टेक्स्ट कैन बी प्रिंटेड। देखिए आज के समय में इन प्रिंटर्स का यूज हम ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें स्पीड इतनी तेज नहीं होती, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, और दूसरी बात ये सिर्फ टेक्स्ट को ही प्रिंट कर पाते हैं, ठीक है। सो द कैरेक्टर प्रिंटर आर टू टाइप्स, जो भी हमने आपको बताए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर। चलिए अब हम जानते हैं कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो क्या है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज इंपैक्ट प्रिंटर, सो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर। सो दीज कैरेक्टर्स एंड इमेजेस प्रिंटेड बाई इट आर द पैटर्न्स ऑफ डॉट्स, जैसा इसका नाम है बिल्कुल वैसा इसका काम है। क्या मतलब हुआ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा, पैटर्न्स ऑफ डॉट्स होंगे, पैटर्न्स ऑफ डॉट्स होंगे, ओके। सो दीज पैटर्न्स, These patterns are produced by striking the ink soaked ribbon against the paper with the print head. क्या मतलब हुआ, जो patterns produce किए जाएंगे by striking the ink, जो soaked ribbon, यानी कि जो ribbon होगा जिसमें ink लगी होगी उससे strike होंगे against the paper, paper पर with a print head, मतलब एक printing head होगा जो उस पर stroke करता जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, जो सोक्ड रिबन होगी, यानी इंक से भीगी हुई जो रिबन होगी उसके द्वारा स्ट्राइक होता जाएगा पेपर पर, और प्रिंट हेड की मदद से ये चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो द प्रिंट हेड कंटेन्स पिंस, द प्रिंट हेड क्या कंटेन करेगा, पिंस को कंटेन करेगा, दैट प्रोड्यूस अ पैटर्न्स ऑफ डॉट ऑन द पेपर टू फॉर्म द इंडिविजुअल कैरेक्टर, ठीक है। तो क्या करेगा, इस प्रिंट हेड में क्या होंगी, पिंस होंगी। अब इसमें कितनी पिंस होती हैं ये मैं आपको बता देता हूं, 9 से लेकर के, प्रिंट हेड में जो प्रिंट हेड होगा, उसमें 9 से लेकर के 24 पिंस होती हैं। जितनी ज्यादा पिंस होंगी उतना ही बेहतर करेक्टर बनेगा, जितनी कम पिंस होंगी उसमें उतना ही
मतलब हम कह सकते हैं ब्लर बनेगा या उतना अच्छा करेक्टर नहीं बनेगा, यानी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। सो हम क्या कह सकते हैं कि द प्रिंटेड कंटेन्स पिंस दैट प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑफ डॉट्स ऑन द पेपर टू फॉर्म ऑन द इंडिविजुअल कैरेक्टर। द प्रिंट हेड ऑफ 24 पिन डॉट मैट्रिक्स कंटेन्स मोर पिन्स देन अ 9 पिन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, तो 24 पिन्स जो है वो सबसे ज्यादा होती हैं। सो इट प्रोड्यूसेस मोर डॉट्स विच रिजल्ट्स इन बेटर प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर। ओके, सो इट प्रोड्यूसेस मोर डॉट्स विच रिजल्ट्स इन बेटर प्रिंटिंग ऑफ कैरेक्टर। जो मैंने अभी आपसे कहा, जितनी ज्यादा पिन होंगी उसमें उतनी ही बेटर क्वालिटी की इमेज बनेगी। सो टू प्रोड्यूस कलर आउटपुट द ब्लैक रिबन कैन बी चेंज्ड विद द कलर स्ट्रिप। अगर आपको कलर आउटपुट लेना है तो जो ब्लैक कलर की इंक है उसको किससे चेंज करना होगा, कलर स्ट्रिप से चेंज करना होगा। सो द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज अराउंड 200 टू 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, यानी 200 से 500 कैरेक्टर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है। आई होप कि अब आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं अभी आपको इसको वर्किंग प्रोसेस भी बताऊंगा। वर्किंग प्रोसेस जब मैं आपको बताऊंगा तो ये देखिएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वर्किंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए, द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस प्रिंटेड कंटेनिंग फ्रॉम 9 to 24 पिंस। ठीक है, ये मेन बात क्या है, द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूजेस प्रिंटेड कंटेनिंग द फ्रॉम 9 to 24 पिंस। अब देखिए यहां पर जो, देखिए यहां पर ये एच एक कैरेक्टर बना हुआ है, यहां पर ये जो है प्रिंट हेड है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ये है, और देखो ये जो है वो प्रिंट हेड है, और ये क्या लगी हुई है, देखिए सॉरी, ये यहां पर क्या लगी हुई है, इनको क्या बोलते हैं हम, पिंस बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है वो क्या है, प्रिंट हेड है। तो जब ये प्रिंट हेड पे क्या है, बहुत सारी पिंस लगी हुई हैं, और उसी के माध्यम से जब ये डॉट स्ट्राइक्स करेंगे, जब ये पिंस स्ट्राइक करेंगी हर कैरेक्टर पर, तो एक जो है डॉट्स बनेगा, और इस डॉट्स जब ये मिल जाते हैं डॉट से तो ये कैरेक्टर बन जाएगा। ओके, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है डेजी व्हील प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर का दूसरा जो है पार्ट है वो है, हम कह सकते हैं सेकंड है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, तो अब डेजी व्हील प्रिंटर क्या होगा। ओके, सो द डेजी व्हील प्रिंटर वॉज इन्वेंटेड बाई डेविड एस ली। डेजी व्हील प्रिंटर वॉज इन्वेंटेड बाई डेविड एस ली एट डायब्लो डेटा सिस्टम। ठीक है, वहां पर इन्वेंट किया गया था। तो डेजी व्हील को किसने इन्वेंट किया था, डेविड एस ली। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लें। सो इट कंसिस्ट ऑफ अ व्हील और डिस्क दैट हैज स्पोक्स और एक्सटेंशंस एंड लुक्स लाइक अ डेजी। यहां पर मैं भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इसमें एक व्हील में डेजी टाइप की, हम कह सकते हैं स्पोक्स होते हैं, और वो किस तरह से स्ट्रोक करते हैं। सो इट इज नेम्ड डेजी व्हील प्रिंटर, इसलिए इसका नाम डेजी व्हील प्रिंटर है। देखिए, ये जो आप प्रिंटर देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक प्रिंटर प्रिंटिंग की, हम कह सकते हैं इमेज है, जिस तरह का ये प्रिंटर होता है, और ठीक है ना, उस प्रिंटर में यहाँ पर एक व्हील होगा डेजी। ठीक है ना, एक व्हील होगा, और इसलिए डेजी व्हील बोलते हैं क्योंकि इसमें स्पोक्स होते हैं, है ना, इट कंसिस्ट ऑफ व्हील और डिस्क दैट हैज द स्पोक्स और एक्सटेंशंस, कहते हैं या तो स्पोक्स होंगे एक्सटेंशन होंगे, एंड लुक्स लाइक अ डेजी, डेजी टाइप दिखेंगे। सो इट इज नेम्ड बाय डेजी व्हील प्रिंटर। एट द एंड ऑफ द एक्सटेंशन मोल्डेड मेटल कैरेक्टर्स आर माउंटेड। यहाँ पर एक मेटल्स की मेटल्स में जो है कैरेक्टर्स लिखे होंगे और उनको मोल्डेड फॉर्म में होंगे। ठीक है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। सो टू प्रिंट अ कैरेक्टर द प्रिंटर रोटेट्स द व्हील। प्रिंटर क्या करेगा, रोटेट्स करेगा उस व्हील को, एंड व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर इज ऑन द प्रिंट लोकेशन द हैमर हिट्स डिस्क एंड द एक्सटेंशन हिट्स द इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू क्रिएट द इंप्रेशन। अब देखिए, यहां पर जो पेपर लगा हुआ है, ये जो पेपर लगा हुआ है देख सकते हैं, ये यहां पर जो है वो लगा हुआ है पेपर। अब इस पेपर पे जब ये यहां पर क्या होगा, एक व्हील होगा, और वो व्हील में जब स्पोक्स होंगे, जब हम पेपर के अगेंस्ट हैमर को, हैमर होगा वो क्या करेगा, हिट्स करेगा स्पोक्स को, हिट्स करेगा, और वहां पर एक कैरेक्टर या इंप्रेशन हम क्रिएट करेंगे।
ठीक है ना. सो इट कैन नॉट बी यूज टू प्रिंट ग्राफिक्स, इट कैन नॉट बी प्रिंट यूज ग्राफिक्स एंड इज ऑफन नॉइजी एंड स्लो. बिल्कुल सही बात है, ये जो है प्रिंट ग्राफिक्स को यूज नहीं कर सकता. और ऑब्वियसली जब ये एक एक हिट्स करेगा तो डेफिनेटली आवाज होती है. आपने टाइपराइटर कभी देखा हो, टाइपराइटर में भी डेजी व्हील का इस्तेमाल किया जाता है, तो जब भी आप की प्रेस करते हैं तो कितनी ज्यादा आवाज होती है जब आप प्रिंट करते हैं. ठीक है, सो द स्पीड इज अ वेरी लो, अराउंड 25 to 50 कैरेक्टर पर सेकेंड. ठीक है ना, 25 से 50 कैरेक्टर ही एक सेकेंड में ये प्रिंट कर सकता है. सो ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स दीज प्रिंटर्स हैव बिकम ऑब्सोलेट. ओके, तो आज जो है हम टाइपराइटर्स का इस्तेमाल वैसे भी नहीं करते हैं, सिर्फ प्रिंटर्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टाइपराइटर्स में भी इसी तरह के स्पोक्स का इस्तेमाल किया जाता है. देखिए किस तरह से, ये देखिए डेजी व्हील प्रिंटर है, यहां पर हर जगह पर ये स्पोक्स लगे हुए हैं. ठीक है, और यहां पर ये इसका प्रिंटिंग हेड है, ये प्रिंटिंग हेड है, और ये स्पोक्स लगे हुए हैं, और ये सभी मोल्डेड है मेटल्स के फॉर्म में मोल्डेड किए गए हैं. ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, हर जगह पर एक कैरेक्टर लिखा हुआ है, और जैसे ही ये पेपर पर जाएंगे उस कैरेक्टर पर आप प्रेस करेंगे तो तुरंत वो कैरेक्टर, जैसे आप उसमें करते हैं तो टाइपराइटर में कि प्रेस किया आपने SLLVAM, तो वो क्या होता है कि प्रिंट होता है. जैसे ही यहां पर ठीक वैसे ही डेजी व्हील प्रिंटर में भी वही वर्किंग प्रोसेस होगी. ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बात करेंगे अब हम इंपैक्ट प्रिंटर में ही. नंबर सेकेंड थिंग है लाइन प्रिंटर. ठीक है, नंबर सेकेंड थिंग है लाइन प्रिंटर. देखिए अब यहां पर जो लाइन प्रिंटर है तो लाइन प्रिंटर का काम क्या, लाइन प्रिंटर विच इज ऑल्सो एज अ बार प्रिंटर. ठीक है ना, लाइन प्रिंटर का मतलब एक लाइन प्रिंट कर दे एक लाइन में. तो ठीक है, प्रिंट्स वन लाइन एट अ टाइम, एक लाइन एक समय में प्रिंट कर. सो इट इज हाई स्पीड इंपैक्ट प्रिंटर एज इट कैन 500 to 3000 लाइन्स पर मिनट. मतलब 500 से लेकर के 300 लाइन्स पर मिनट ये प्रिंट कर सकता है. सो इट इज हाई स्पीड इंपैक्ट प्रिंटर. ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ द लाइन प्रिंटर. यानी दो तरह के लाइन प्रिंटर्स होते हैं, नंबर वन ड्रम प्रिंटर एंड नंबर सेकेंड चेन प्रिंटर. ठीक है ना, कौन कौन से, नंबर वन ड्रम प्रिंटर और नंबर सेकेंड चेन प्रिंटर. तो कितने कैरेक्टर्स एक समय में प्रिंट कर सकते हैं, सॉरी कितने लाइंस प्रिंट कर सकते हैं, 500 to 3000 लाइंस. ठीक है, लाइंस इन पर मिनट. तो ये जो स्पीड होती है इनकी काफी फास्ट होती है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताएंगे कि ड्रम प्रिंटर क्या है. ठीक है, देखिए ये है, अब हम बात करेंगे ड्रम प्रिंटर की. तो ड्रम प्रिंटर क्या है, ड्रम प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर. ठीक है, ड्रम प्रिंटर इज अ लाइन प्रिंटर दैट इज मेड ऑफ अ रोटेटिंग ड्रम टू प्रिंट कैरेक्टर. अब यहां पर क्या होगा, ड्रम रोटेट करेगा. ठीक है, जब ड्रम रोटेट करेगा तो प्रिंट क्या करेगा, कैरेक्टर्स को प्रिंट करेगा. सो द ड्रम हैज अ सर्कुलर बैंड ऑफ अ कैरेक्टर्स ऑन इट्स सरफेस. मतलब ड्रम बैंड्स में कैरेक्टर्स जो हैं उसके सरफेस पर होंगे. सो इट हैज अ सेपरेट हैमर, इसके पास में क्या होगा, सेपरेट हैमर फॉर ईच बैंड. यानी कि हर बैंड पर एक सेपरेट हैमर होगा ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, सो व्हेन यू प्रिंट द ड्रम रोटेट्स, जब आप प्रिंट करते हो तो ड्रम रोटेट्स करेगा. एंड व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर कम्स अंडर द हैमर, जो भी कैरेक्टर होगा वो उस हैमर के अंदर होगा. सो द हैमर स्ट्राइक्स द इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर टू प्रिंट कैरेक्टर. तो हैमर कहां स्ट्राइक करेगा, उस रिबन में पेपर के अगेंस्ट करेगा प्रिंट करने के लिए, है ना. सो द ड्रम रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड. जब ड्रम रोटेट्स करता है तो बहुत ही तेजी के साथ में रोटेट करेगा. एंड कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड बाय एक्टिवेटिंग द एप्रोप्रिएट हैमर्स. सो ऑल द कैरेक्टर्स आर नॉट प्रिंटेड एट अ टाइम, सो दे आर प्रिंटेड एट अ वेरी हाई स्पीड. ठीक है ना, ऑल दो ऑल द कैरेक्टर्स आर नॉट प्रिंटेड एट अ टाइम, दे आर प्रिंटेड एट अ वेरी हाई स्पीड. ठीक है ना, बहुत तेजी से प्रिंट करते हैं. सो फर्दर मोर इट कैन प्रिंट ओनली अ प्रीडिफाइंड स्टाइल as it has a specific set of characters. So these printers are known to be very noisy due to use of hammering technique. So hammer techniques के माध्यम से ये बहुत ही noisy होते हैं. ठीक है ना, okay? इसलिए इनको drum printer बोला जाता है. Okay? चलिए अब हम आपको इसकी working process भी दिखाएंगे. देखिए ये है इसकी working process. तो drum printer की working process में क्या है, अब आप देखिए यहाँ पर कितने hammers हैं, ये देखिएगा ये यहाँ पर हैमर्स हैं. ठीक है, ये क्या है, हैमर्स हैं. ये पेपर है यहाँ पर, और देखिए ये यहाँ पर रिबन है.
ठीक है, ये रिबन है, ये पेपर है, और कार्बन रिबन ये है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो है वो है सिलेंड्रिकल ड्रम, और यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, हर सरफेस पे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, हर सरफेस पे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, है ना, हर सरफेस पे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, जो भी सरफेस है। और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा पेपर यहाँ लगा होगा, देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये पेपर लगा हुआ है, ये देखिए ये पेपर लगा हुआ है, और यहाँ पर ये कार्बन रिबन है, ठीक है, यहाँ से जिसमें जिसमें इंक लगी हुई है, ठीक है, ये इंक वाला रिबन है ना, और इसमें इंक लगी हुई है, ये यहाँ पर लेटर लगे हुए हैं, जैसे जैसे ये घूमेगा इस रिबन के ऊपर आएगा उस तैसे तैसे तुरंत ही यहाँ पर प्रिंट होता जाएगा। ये यहाँ पर हर उसके लिए, हर सरफेस के लिए हैमर्स लगे हुए हैं, तो हैमर्स वो वर्क करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, इसलिए जो है, पर इनकी स्पीड इतनी फास्ट होती है, बट क्या होती है, नॉइजी इसलिए होते हैं क्योंकि हैमर्स लगा होता है, तो हैमर की आवाज के कारण ये नॉइजी होते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर क्या है, चेन प्रिंटर भी ऑल्सो लाइन प्रिंटर है, ठीक है, सो चेन प्रिंटर इज ऑल्सो अ लाइन प्रिंटर, ठीक है। अब देखिए दैट यूजेस अ रोटेटिंग चेन टू प्रिंट कैरेक्टर। अब वहां पर ड्रम है और यहां पर क्या है, चेन है, ठीक है, चेन। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिंट होगी, ठीक है। द कैरेक्टर्स आर एम्बॉस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द चेन, ठीक है, द चेन रोटेट्स हॉरिजॉन्टली अराउंड अ सेट ऑफ हैमर्स। तो यहां पर भी हैमर्स बहुत सारे होंगे, सो हॉरिजॉन्टली अराउंड द सेट ऑफ हैमर्स, चेन कहां रोटेट करेगी, हॉरिजॉन्टली। फॉर ईच प्रिंट लोकेशन वन हैमर इज प्रोवाइडेड, हर प्रिंट लोकेशन पर एक हैमर दे दिया, जैसे कि वहां पर भी था, इसलिए ये लाइन प्रिंट कर लेते हैं। वहां पर क्या होता था, सिंगल हैमर होता था कैरेक्टर के लिए, प्रिंट हेड सिंगल होता था, ठीक है, तो वहां पर एक ही हैमर होता था, इसलिए वहां पर हर कैरेक्टर को एक ही समय में कर पाएगा, जबकि यहां पर क्या होता है कि हर कैरेक्टर पे दे दिया है और यहाँ पे हर लोकेशन पे दिया हुआ है हैमर, ठीक है ना, सो एक हैमर दिया हुआ है। सो दैट टोटल नंबर ऑफ द हैमर्स इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पोजिशन, जितने नंबर ऑफ हैमर्स होंगे और जितने नंबर ऑफ प्रिंट पोजिशन होंगी उसके बराबर होंगी, इसलिए इनकी स्पीड भी हाई होती है। तो द चेन रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड एंड वेन द डिजायर्ड कैरेक्टर कम्स एट द प्रिंट लोकेशन, सो द करस्पॉन्डिंग हैमर स्ट्राइक्स द पेज अगेंस्ट द रिबन एंड कैरेक्टर ऑन द चेन, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज है कि यहां पर एक पेपर लगा होगा, एक रिबन होगा स्पोक्स वाला, इंक वाला, और वहां पर हर जगह प्रिंट हैमर्स लगे होंगे, हर पोजीशन पर हैमर्स लगे होंगे जो कि प्रिंटिंग का काम करेंगे, यानी स्पोक्स करेंगे। सो दे कैन टाइप 500 to 3000 लाइंस पर मिनट, यानी कि 500 से लेकर के 3000 लाइंस एक मिनट में प्रिंट कर सकते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोइजी ड्यू टू द हैमरिंग एक्शन, बिल्कुल सही कह सकते, बिल्कुल सही बात है, ये भी बहुत ही नॉइजी होते हैं, ठीक है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम इन प्रिंटर्स में नहीं है। अब देखिए मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाता हूँ, वर्किंग प्रोसेस दिखाता हूँ कैसे ये वर्क करता है। देखिए सॉरी, देखिए चेन प्रिंटर की जो वर्किंग प्रोसेस है वो क्या होगी, देखिए अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करिएगा कि ये देखिए ये है चेन, ठीक है, ये चेन है, और ये देखिए यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो, ये यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स, और ये जो है वो क्या है, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये यहाँ पर रिबन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रिबन लगा हुआ जिसमें इंक लगी हुई है, और ये देखिए इसको आप क्या बोल रहे हो, ये है पेपर, ठीक है, ये यहाँ पर अपने पेपर फंसा दिया है, और ये जो है देखिए हर जगह पर क्या है, ये क्या है, ये पूरा हैमर है, ठीक है, क्या है ये है प्रिंटिंग हैमर। और मैंने आपको क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ पोजीशन के प्रिंट आपको करनी होगी प्रिंटिंग पे, उतने ही नंबर ऑफ प्रिंट हैमर्स होंगे, ठीक है, इसलिए इनकी स्पीड बहुत तेज होती है जब ये रोटेट करते हैं। अब आपने कभी जो कैसेट्स होती थी पहले, ऐसी ही होती थी कैसेट्स, है ना, कैसेट्स जो होती थी वो ऐसे ही होती थी जिसमें हम कोई भी वीडियो या इमेज, जैसे हम आमतौर पर गाने के लिए कैसेट्स लेके आया करते थे, जो डेक होता था, जो प्लेयर होता था कैसेट्स का, उसमें हम लगाते थे, तो उसमें भी देखिए आप चेन प्रिंटर ही होता है कि
क्योंकि कहीं ना कहीं जो दो यहाँ पर वो होती थी व्हील्स होते हैं, जहां पर ये क्या है रोटेट होती है, और एक रील होती है, रील यानी रिबन होता है, और जो रिबन होता है वो कोटेड होता है जिसमें हम भर देते हैं, यानी कि ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, और बिल्कुल सेम एज वही चीज है जो हम प्रिंटिंग के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है ना। जो कैसेट्स अगर आपने देखी होगी तो आई थिंक आपको वो इमेज बन रही होगी चेन प्रिंटिंग वाली, कि वहां पर भी दो इस तरह के हैमर हुआ करते थे, ठीक है, सॉरी दो व्हील हुआ करते थे, है ना, और ये चेन होती है, ठीक है, एक रिबन होगा, पट्टा होगा, ठीक है, जो आई थिंक डार्क ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, और उसमें जो है जो भी हम कह रह सकते हैं म्यूजिक है या कोई भी पिक्चर है उसमें हम कह सकते थे रिकॉर्ड कर देते थे, ठीक है। तो सेम एज जो है यहाँ पर भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, और यहाँ पर ये हैमर्स लगे हुए हैं, जितनी प्रिंटिंग पोजिशन है, देखिए ये भी यहाँ पर है ना, ये भी रिबन है और यहाँ पर ये भी रिबन है, और यहाँ पर ये हैमर्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, ये चेन है और ये चेन रोटेट होती है, जब ये रोटेट होगी तो प्रिंटिंग के फॉर्म में रोटेट होगी। 500 to 3000 लाइंस ये क्या कर सकता है, 500 to 3000 लाइंस को 1 मिनट में प्रिंट कर सकता, पर मिनट, ठीक है, लाइंस पर मिनट, ओके। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, कैसेट की इमेज अगर आपको बन गई होगी तो चेन प्रिंटिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। आई थिंक कि अगर आपने नहीं भी देखा हो तो आप एक बार नेट पे देख लें तो आपको मिल भी जाएगा कि कैसी होती थी जो पहले की कैसेट होती थी, बिल्कुल इसी तरह ही वो दिखती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रिंटर में इम्पैक्ट प्रिंटर की, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे। अभी तक हमने इम्पैक्ट प्रिंटिंग को देखा था, अब हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स देखेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का ही इस्तेमाल आज के समय में हम लोग करते हैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। सो बेसिकली जो इस्तेमाल हम करते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डोंट प्रिंट कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हेड और हैमर, ठीक है, ऑन द इंक रिबन प्लेस्ड अगेंस्ट द पेपर, ठीक है। तो यहां पर इसमें प्रिंट हेड और हैमर्स का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। डोंट प्रिंट कैरेक्टर और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हेड और हैमर ऑन द रिबन प्लेस्ड अगेंस्ट द पेपर, दे प्रिंट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी, ठीक है। क्या बोला इसमें, दे प्रिंट कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट, क्या विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट किसके, बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी, यानी कि कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, दीज प्रिंटर्स कैन प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, सो दे आर ऑल्सो नोन एज अ पेज प्रिंटर्स। क्या बोला जाता है इनको, पेज प्रिंटर बोला जाता है, क्योंकि ये पूरी एक पेज प्रिंट करके निकालेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अब उसमें क्या होता था, एक एक करेक्टर निकलता था या एक एक लाइन निकलती थी, लेकिन यहां पर क्या होगा, पूरा एक पेज निकलेगा प्रिंटिंग होकर के। सो द कॉमन टाइप्स ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या क्या आएगा, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यहां पर क्या होगा, डायरेक्टली उसका कॉन्टेक्ट पेपर के साथ में और प्रिंटिंग मशीनरी जो भी है इसके साथ में, मशीन है उसके साथ में डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं आएगा, बल्कि ये पूरा पेज प्रिंट करके निकालेगा, ठीक है। चलिए अब देखें इसमें जो हम आगे जाने वाले हैं वो क्या है, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या है, लेजर प्रिंटर, अ लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस अ लेजर बीम टू प्रिंट द कैरेक्टर्स। यहां पर क्या होगा, एक लेजर बीम होगी जो कि प्रिंट करेगी कैरेक्टर्स को, ठीक है। सो अ लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस अ लेजर बीम टू प्रिंट द कैरेक्टर। सो द लेजर बीम हिट्स द ड्रम विच इज अ प्रोटोसेप्टर्स, ठीक है, फोटोसेप्टर्स, फोटोरिसेप्टर्स एंड ड्रॉज द इमेज ऑन द ड्रम बाई अल्टरिंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑन द ड्रम, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, द लेजर बीम हिट्स द ड्रम, कहां पर, यहां पर इसमें ड्रम होता है, ठीक है, कार्ट्रेज होती है, उस कार्ट्रेज में यहां पर क्या होता है, जो लेजर प्रिंटर होगा या जो इंकजेट प्रिंटर हो गए, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होंगे, इनमें क्या होता है, कार्ट्रेज होती है और कार्ट्रेज में ही एक ड्रम होगा, उस ड्रम में, ठीक है, द लेजर बीम हिट्स द ड्रम विच इज फोटो रिसेप्टर्स एंड ड्रॉज द इमेज, ठीक है ना, फोटो रिसेप्टर्स होगा जो कि ड्रॉ करेगा इमेज को ऑन द ड्रम बाई अल्टरिंग इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द ड्रम, ठीक है, जब इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा उससे अल्टरिंग करेगा। सो द ड्रम
देन रोल्स इन टोनर, ड्रम क्या करेगा टोनर में रोल्स करेगा, एंड द चार्ज्ड इमेज ऑन द ड्रम पिक्स द टोनर। ठीक है, क्या करेगा चार्ज्ड इमेज को क्या करेगा पिक करेगा ड्रम से, ड्रम में किससे पिक्स द टोनर, टोनर से पिक करेगा। सो द टोनर इज द टोनर इज देन प्रिंटेड ऑन द पेपर यूजिंग हीट एंड प्रेशर। जो टोनर होगा वो क्या करेगा प्रिंट करेगा पेपर को किसके द्वारा, हीट और प्रेशर के द्वारा। सो वंस द डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड द ड्रम लॉसेस द इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड द रिमेनिंग टोनर इज कलेक्टेड। सो द लेजर प्रिंटर्स यूज पाउडर टोनर फॉर प्रिंटिंग इंस्टीड ऑफ लिक्विड इंक एंड प्रोड्यूस क्वालिटी प्रिंट ऑब्जेक्ट्स विद अ रेजोल्यूशन ऑफ 600 डॉट्स पर इंच और मोर। मतलब जो इसका रेजोल्यूशन होगा वो 600 डॉट्स पर इंच होता है। तो बेसिकली जो लेजर प्रिंटर होगा वो क्या यूज करता है, क्या पाउडर टोनर, ठीक है पाउडर टोनर, ठीक है पाउडर टोनर होता है, ठीक है ना। यहां पर यानी कि हम कह सकते हैं ड्राई इंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ड्राई इंक, नॉट अ लिक्विड इंक, ठीक है ना। सो यहां पर एक कॉर्ट्रेज होगी, उस कॉर्ट्रेज में वो हम पाउडर भर देते हैं और उस पाउडर को के द्वारा ही ये जो है आपका प्रिंट निकल के आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जो है नेक्स्ट जो है इंकजेट प्रिंटर को समझते हैं, ठीक है इंकजेट प्रिंटर क्या है। अब इंकजेट प्रिंटर में द इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है द इंकजेट प्रिंटर इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर दैट प्रिंट्स इमेजेस एंड कैरेक्टर दैट प्रिंट्स इमेजेस एंड कैरेक्टर्स बाय स्प्रेइंग फाइन आयोनाइज्ड ड्रॉप्स ऑफ इंक। अब यहां पर लिक्विड फॉर्म में इंक का इस्तेमाल किया जाता है। सो द प्रिंट हैड हैज द टिनी नोजल्स टू स्प्रे द इंक, टिनी बहुत ही पतले नोजल्स होते हैं जो स्प्रे करते हैं इंक से, ठीक है द प्रिंटर हैड मूव्स बैक एंड फोर्थ एंड स्प्रेस आयोनाइज्ड ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। सो बेसिकली जो इंकजेट प्रिंटर का इस्तेमाल हम करते हैं वो कलर प्रिंटिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो विच इज फेड थ्रू द प्रिंटर, दीज ड्रॉप्स पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड गाइड्स द इंक ऑन टू द पेपर टू प्रिंट करेक्ट इमेजेस एंड कैरेक्टर्स। सो एन इंकजेट प्रिंटर हैज कार्ट्रेज, इसमें भी कार्ट्रेज होती है दैट कंटेन इंक। मॉडर्न इंकजेट प्रिंटर्स आर कलर प्रिंटर्स दैट हैव फोर कार्ट्रेज कंटेन्स डिफरेंट कलर्स। अब यहां पर क्या है, जो इंकजेट प्रिंटर पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट, बट आज के जो इंकजेट प्रिंटर हैं वो हैं कलर्ड, और कलर में भी चार कलर्स होंगे, है ना कौन कौन से हैं, सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक। सो इट इज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग हाई क्वालिटी इमेजेस विद द डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर से हाई क्वालिटी इमेज को प्रिंट करने के लिए कैपेबल है। सो इट कैन प्रोड्यूस प्रिंट ऑब्जेक्ट्स विद अ रेजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 300 डॉट्स पर इंच, यानी इसकी कितनी कैपेसिटी है 300 डॉट्स पर इंच। ये देख सकते हैं आप, ये कैनन का एक प्रिंटर है जो कि इंकजेट प्रिंटर, आप देख सकते हैं ये इमेज भी कलर प्रिंटिंग वाली इमेज है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक तो दो चीजें हमने जानी यहां पर, नंबर वन कि लेजर प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर में भी आजकल जो इस्तेमाल होते हैं वो आई थिंक 3-in-1 भी आने लग गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कैनिंग प्रिंटिंग और प्रिंट आउट, फोटो कॉपी भी आप उसमें से प्रिंट आउट कर सकते हो, इसलिए 3-in-1 बोलने लग गए हैं। और उसमें क्या होता है, लेजर बीम के थ्रू सारी कहानी होती है। यहां पर पाउडर इंक का इस्तेमाल करते हैं यानी ड्राई इंक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंकजेट प्रिंटर में हम कह दें तो किसका इस्तेमाल होता है, आयनाइज्ड इंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे प्रोजेक्टर क्या होता है। प्रोजेक्टर एलसीडी प्रोजेक्टर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इनेबल्स द यूजर टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन टू अ लार्ज सरफेस सच एज अ बिग स्क्रीन और वॉल। दैट मींस कि जब आपको बहुत सारे लोगों में कोई भी तस्वीर दिखानी हो या आपको कोई वीडियो दिखाना हो, ठीक है, या आपको कोई इमेज दिखानी हो, तो आप कैसे दिखाएंगे। सपोज दैट कि आप तो एक कंप्यूटर पे स्क्रीन, छोटी स्क्रीन आपके पास जो लैपटॉप है वो बहुत ही छोटी स्क्रीन है, लेकिन अगर आपको 2,000-5,000 लोगों को दिखाना होगा तो एक बड़ी स्क्रीन या हम कह सकते हैं बड़े पर्दे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसी के लिए हम कह सकते हैं प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। वो प्रोजेक्टर आपके कंप्यूटर में जो उसकी जो यूएसबी केबल के थ्रू हम उसको कनेक्ट करेंगे फॉर आउटपुट के लिए, ठीक है, तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा यानी उस इमेज को
उस सरफेस पर क्या कर देगा, रिजोल्यूशन में बिखेर देगा, ठीक है, कहने का मतलब कि उसको प्रोड्यूस कर देगा। सो अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट एनेबल्स द यूजर्स टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन टू अ लार्ज सरफेस सच एज अ बिग स्क्रीन और वॉल। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड सिमिलर डिवाइसेस। इट कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर एंड सिमिलर डिवाइसेस टू प्रोजेक्ट देयर आउटपुट ऑन टू अ स्क्रीन। सो इट यूजेस लाइट एंड लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्निफाइड टेक्स्ट इमेजेस एंड वीडियोस। दैट मीन्स इसमें क्या इस्तेमाल होता है, एक लाइट का इस्तेमाल होता है, और लाइट के माध्यम से, क्योंकि उसमें लाइट भी होगी लेंस भी होगा, तो उसके माध्यम से मैग्निफाइड टेक्स्ट इमेजेस एंड वीडियोस। ओके, सो इट इज एन आइडियल आउटपुट डिवाइस टू गिव प्रेजेंटेशन और टीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। तो बेसिकली जो हम कह सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वहां पर प्रोजेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल और कॉलेजेस में भी जब बहुत ज्यादा लोग बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपनी जो भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिखाना होता है, तो हर एक को हम लैपटॉप या कंप्यूटर पर दिखाना पॉसिबल नहीं है। 2-4-5 लोगों को तो आप दिखा सकते हैं, बट आपको अगर 20-30-40 स्टूडेंट्स को अगर आपको अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई भी चीज आपको समझानी है, तो आप उसके लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सो मॉडर्न प्रोजेक्टर्स यानी डिजिटल प्रोजेक्टर्स हम जिनको बोलते हैं, कम विद अ मल्टीपल इनपुट सोर्सेज सच एज HDMI पोर्ट्स फॉर अ न्यूअर इक्विपमेंट एंड VGA पोर्ट्स। दो पोर्ट्स होते हैं, एक तो HDMI पोर्ट्स और एक होता है VGA पोर्ट्स। सो दैट सपोर्ट्स द ओल्डर डिवाइस, जो कि हम कह सकते हैं HDMI पोर्ट्स जो है वो जो नए आजकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं उनके लिए होता है, और जो VGA होता है वो ओल्ड डिवाइसेस के लिए होता है। सो सम प्रोजेक्टर्स आर डिजाइन टू सपोर्ट Wi-Fi एंड ब्लूटूथ एज वेल। अब जो आजकल के प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं वो किस लिए डिजाइन, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, Wi-Fi यानी Wi-Fi डिवाइस को और ब्लूटूथ डिवाइस को, ठीक है। सो दे कैन बी फिक्स्ड ऑन टू द सीलिंग, प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड and more frequently used for the classroom, teaching, giving the presentation, home cinemas। आप देख सकते हो जब भी आप home theaters में जाते हो या classrooms में जाते हो या labs में जाते हो, तो एक stand के माध्यम से उसको fit कर देते हैं ceiling पे, ठीक है ना, क्योंकि वो connected हो जाते हैं और bluetooth या wi-fi के माध्यम से आप उनको connect कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ये कितने type के होते हैं वो भी अभी हम समझ लेते हैं। दो type से होते हैं, ठीक है, चलिए देखिए। प्रोजेक्टर जो है, अ डिजिटल प्रोजेक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन प्रोजेक्टर, देखिए ये आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्टर की तस्वीर। यहां पर ये जो है वो होता है लेंस, यहां पर क्या होता है, लेंस होता है, ये जो है ये यहां पर लेंस होता है, क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है। और यहां से लाइट की बीम डलती है, ठीक है, ये यहां पर इसके ऊपर फंक्शनैलिटीज होती है। ये यहाँ पर इसका स्टैंड भी होता है, अगर आप रखते हैं डेस्क पर तो ऊपर नीचे करने के लिए भी होता है। अब इसमें दो टाइप के, नंबर वन है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यूनिट, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD डिजिटल प्रोजेक्टर, और नंबर सेकंड जो है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग डिजिटल प्रोजेक्टर। तो अलग अलग चीजों के लिए हम इसको अलग अलग इस्तेमाल बेसिकली करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी LCD डिजिटल प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द डिजिटल प्रोजेक्टर आर वेरी पॉपुलर एज दे आर द लाइट वेटेड एंड प्रोवाइड क्रिस्प आउटपुट, ठीक है। सो बहुत ही लाइट वेटेड आते हैं अब। एंड LCD प्रोजेक्टर यूजेस अ ट्रांसमिसिव टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस आउटपुट। इट अलाउज द लाइट सोर्स, ये क्या अलाउ करता है, लाइट सोर्स विच इज अ स्टैंडर्ड लैम्प टू पास थ्रू द थ्री कलर्ड लिक्विड क्रिस्टल लाइट पैनल्स, ठीक है, थ्री कलर्ड लिक्विड क्रिस्टल लाइट पैनल्स। सो सम कलर्स पास थ्रू द पैनल्स के थ्रू से पास होगा, सम आर द ब्लॉक बाय द पैनल्स एंड दस इमेजेस ऑन द स्क्रीन, और इमेज को प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो यही LCDs हम मैक्सिममली इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग DLP प्रोजेक्टर। DLP प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हम बड़े उसके कह सकते हैं कि बड़े काम के लिए यूज करते हैं। सो इट हैज अ सेट ऑफ टिनी मिरर्स,
अ सेपरेट मिरर फॉर ईच पिक्सल फॉर द ऑफ द इमेज। यहां पर बहुत ही पतले पतले मिरर्स होंगे और हर एक पिक्सल के लिए सेपरेट मिरर होगा एक इमेज को बनाने के लिए, एंड दस प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी इमेजेस। जो क्या प्रोवाइड करेंगे, बहुत ही हाई क्वालिटी की इमेजेस प्रोड्यूस करेंगे। दीज प्रोजेक्टर्स आर मोस्टली यूज्ड इन द थिएटर्स। ये जो प्रोजेक्टर होंगे वो कहां इस्तेमाल किए जाते हैं, थिएटर्स में यूज किए जाते हैं। दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द हाई क्वालिटी वीडियो आउटपुट। हाई क्वालिटी के वीडियो आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यहां पर डीएलपी प्रोजेक्टर्स का हम इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसको इस्तेमाल करते हैं, एलसीडी प्रोजेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं। जो जिसमें हम कह सकते हैं कि 150 लोगों को हमको दिखाना है तो हम इजिली उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एलसीडीज, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डीएलपी प्रोजेक्टर्स। तो दो टाइप के प्रोजेक्टर्स अभी हमने देखे, नंबर वन एलसीडी प्रोजेक्टर्स और नंबर सेकंड डीएलपी प्रोजेक्टर्स। तो आई होप कि अब आपको प्रोजेक्टर की बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी जो प्रोजेक्टर है वो कंप्लीट किया। तो प्रिंटर और प्रोजेक्टर के बारे में अभी हमने इस क्लास में जाना। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आगे की क्लास में मैं आपसे नेक्स्ट इसका जो पार्ट होगा वो आपसे डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपने काफी एंजॉय किया होगा। थैंक यू।